Hello students, how are you? I hope you all are fine, right? So, आज हम पढ़ेंगे हमारा EVS, that is Environmental Studies. जैसे कि EVS आप सभी के लिए न्यू सब्जेक्ट है, right? So, आप सभी को नहीं पता होगा कि Environment किसे बोलते हैं. So, मैं आज आपको explain करती हूँ. First of all, what is Environment? Students, what comes to your mind when you hear the word Environment? The simplest thing which one can say about an environment is our surrounding, right? हमारे आसपास की जो कुछ भी चीजें हैं वो हमारा surrounding environment है. Here, let's assume that we all are sitting in a park. Anything and everything we can see in this park, all are part of our environment. Suppose कि हम एक park में बैठे हैं, तो हमारे park में हमारे आसपास जो कुछ भी है, वो सारी चीज environment के अंदर आ जाती है. Now, suppose let's just list down few things that we see here in the park. Like people sitting or walking around, children playing, the plants, trees, birds, insects, playground, slides, etc. Right? These are few objects placed near or around us and all are part of our environment, our surrounding. तो आप सभी को पता चल गया कि एनवायरनमेंट किसे बोलते हैं. तो ये साल हम लोग EVS में यही सारी चीज़ें देखेंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एनिमल्स कौन से टाइप के हैं, हम अलग अलग ह्यूमन बींग्स हमारी सेंसेस कैसे टाइप की है, एनिमल्स की सेंसेस कैसे काम करती है, ऐसे सारा कुछ जो हमारे आसपास हो रहा है वो हम लोग EVS में देखेंगे. So, let's start our first chapter, super senses. यहाँ पर suppose आप सभी को पता ही है कि हमारे पास human beings के पास 5 sense organs हैं. Eyes, nose, tongue, ear and skin. Eyes की मदद से हम लोग देखते हैं, nose की मदद से smell करते हैं, tongue की मदद से taste करते हैं, ear से हम लोग sound सुनते हैं different different types के, और स्किन से हम फील करते हैं कि कैसी सरफेस है, इवन है कि अनइवन है, स्मूथ है, कैसी है वो. ओके, तो जैसे हमारे पास सेंसेस है, वैसे एनिमल्स के पास भी क्या सेंसेस है? अगर यस, देन वो लोगों के पास कैसी है, हमारे से स्ट्रॉन्ग वाली सेंसेस है कि वीक वाली? तो आज हम ये चैप्टर में देखेंगे कि एनिमल्स के पास कैसी सेंस है. तो यहाँ पर तीन इंसिडेंट दिए हुए हैं. आपको पूछा है कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? फर्स्ट है, यू वेर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी. आप खा रहे हो रोटी प्लेग्राउंड में खा रहे हो, और ऐसा कभी हुआ है कि ईगल ने या तो फिर क्रोन ने आपके हाथ में से रोटी छीन कर भाग गया, उड़ गया, ऐसा हुआ है कभी? सेकेंड इंसिडेंट है, एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शूट अप एट वंस. ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब डॉग सो रहा है और अगर आप उसके पास से भी धीरे से भी पास आउट हो तो भी वो अपने ईयर्स है वो अप कर लेता है, शूट अप करता है कि नहीं? यस. उसके बाद ये वाला इंसिडेंट है एंट्स वाला, वो भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. जैसे कि यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन फ्यू मिनट्स मैनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट. अगर ग्राउंड के ऊपर कुछ स्वीट गिरा है तो चीटियाँ एंट्स है वो थोड़ी देर में आ जाती है कि नहीं आ जाती है? यस. तो ये क्यों होता है ये सब? क्यों? क्योंकि एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपना शिकार दूर, अगर दूर दूर तक फ्लाई करते हो ना, फिर भी वहाँ से देख सकते हैं. सम कैन हियर इवन द फाइनेस्ट साउंड, यानी कि छोटे से छोटा भी अगर साउंड हो तो भी वो एनिमल फील करता है. जैसे कि अर्थवेक आए तो अर्थवेक के जो वाइब्रेशंस है वो सबसे पहले एनिमल्स को फील होते हैं, उसके बाद हम लोगों को फील होता है. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय द स्मेल. जैसे हम हमारे फ्रेंड्स को देख कर पहचान कर या तो फिर उसकी आवाज़ सुनकर पहचानते हैं, वैसे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स को उसकी स्मेल की मदद से पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं.
The animal world is full of examples of amazing senses. एनिमल्स के पास अमेजिंग सेंस है. यस यहाँ पर है, हाउ डिड द एंट रिकोगनाइज अ फ्रेंड. एंट्स कैसे अपनी फ्रेंड को रिकोगनाइज पहचान रिकोगनाइज यानी कैसे अपने फ्रेंड्स को पहचानती है, कैसे याद करती है. एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल. द एंट गार्डिंग द होल रिकोगनाइज इट एंड लेट इट इन. जैसे कि अगर एक साइड से एक एंट जा रही है, फिर उसके सामने उसे पूरी चीटिया का एंट्स का ग्रुप मिला, तो वो जो अकेली वाली थी वो डर कर भाग गई. कहाँ पर? अपने होल में. तो वो गई तो उसके पीछे पीछे बाकी सारी जो पूरा ग्रुप था वो भी उसके पीछे पीछे चला गया. उसे कैसे पता चला गया कि ये एंट है, वो वहीं पर ही गई है, अपने होल में ही गई है. कैसे पता चलेगा? बाय इट्स स्मेल. हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. एंट्स को कैसे पता चलेगा कि दूसरी एंट्स है वो अपने ग्रुप की नहीं है? तो उसके पास एंटेना होता है. अपने एंटेना की मदद से और अदर एंट्स की स्मेल की मदद से भी वो पहचान सकती है. हाउ डिड द गार्ड एंड रिकोगनाइज दिस एंट? सो बाय इट्स स्मेल. एंट की जो स्मेल है उससे उसे पता चल जाता है, जो गार्ड एंट है उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पर गई है. चलो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आपको ट्राई करनी है और वो आपका आज का होमवर्क है. यहाँ पर ऐसा ऐसा बोला है, ड्रॉप सम शुगर जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर. आपको ग्राउंड के ऊपर शुगर गिरानी है, फिर आपको कुछ यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, आपको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उसके आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. ओके देन नेक्स्ट. मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस. ही फाउंड आउट दैट एज द एंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड. द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. यानी कि चींटियाँ एंट्स अपनी स्मेल ग्राउंड पर छोड़ देती है, ड्रॉप करती है, और वो स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हुए बाकी की सारी एंट्स है वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है. नाउ कैन यू गैस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट वेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ. अब आपको पता चल जाएगा कि सपोज कि कोई एंट जा रही है, अगर उसका रास्ता आप ब्लॉक करो तो वो कैसे बिहेव करती है वो पता चल जाएगा. सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक, हाउ डू दे नो वेर यू आर? मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर सोल, ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी. ये तीन चीज़ों से मॉस्किटो को पता चल जाता है कि आप कहाँ हो. यहाँ पर एक फैक्ट भी है. सिल्क वॉर्म बोल रही है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. वो भी स्मेल से अपने फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती है. ओके फिर देखो यहाँ पर डॉग का एक इंसिडेंट है. हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? स्निफिंग यानी कि सांस, ऐसे डॉग को कभी आपने देखा होगा कि ऐसे यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ ऐसे घूमता रहता है और कुछ स्मेल करता होगा. वट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? नो, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी. पोटी यानी कि लेटरिन. ओके तो वैसे वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं. तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे. नेक्स्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर.